चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसे रीड करकर बता दूंगी, ठीक है? ओके, सो यू मे स्टार्ट नाउ. Good afternoon to everyone. All of you are keeping safe in this corona pandemic. Am I audible? Hello? Am I audible, Abhilasha? Yes, sir, we can hear you, sir. Please. Good afternoon to everyone. All of you are keeping safe in this corona pandemic. First of all, I congratulate Vijay Social Welfare Society for organizing such a useful career guidance talk. In the present time of pandemic, every student is worried for career and future. At this time, you have to bear in mind that such time don't last forever. Be positive and optimistic. You have to bear in mind that due to COVID-19, the world of education and the world of career has totally changed. The world of business and the world of industry has evolved. After pandemic, Indian students' future will be bright. सबसे खास बात तो ये है कि कोरोना महामारी के बाद पूरी दुनिया में भारतीय स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा करियर की संभावनाएं होगी. तो पहली बात जो सबसे ज्यादा हमारे मन में आ रही है, बार बार मन में आ रही है कि व्हाट अबाउट अवर फ्यूचर आफ्टर कोरोना, व्हाट ट्रेंड्स विल बी देयर. तो सबसे पहली बात जो इस करियर वेबिनार में स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, एंड आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट स्टूडेंट of 10, 11, 12 are going to participate in this career webinar. So, सबसे खास बात जो career की है, वो इन्हीं students से हैं, 10 से, 11 से, 12 से, और यहीं से शुरुआत होगी जो career की दुनिया है. अब जो इतिहास लिखा जाएगा, career before pandemic, career before COVID-19 एंड करियर पोस्ट COVID-19, इतना बड़ा चेंज, पूरी दुनिया बदल रही है. करियर की दुनिया भी बदलेगी. तो सचमुच बधाई के पात्र हैं पूरा ये संगठन, फाउंडेशन, कि इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर और गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने मौका दिया है. सबसे पहले हम ये देखें कि COVID-19 के बाद में दुनिया में जो करियर का सिनेरियो बदलेगा, वो सिनेरियो किस प्रकार का होगा. आफ्टर COVID-19 देयर विल बी ए बिग स्कोप फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज. यू हैव टू बेयर इन माइंड गवर्नमेंट सर्विस बढ़ेंगी. ये सर्विस बढ़ेंगी UPSC, जहां से IAS, IPS, IFS, ये सर्विस बनेगी MPPSC पे, जहाँ से डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, अकाउंट्स ऑफिसर, DSP जैसे पद करते हैं. ये सर्विसेज बढ़ेंगी बैंकिंग पे, ये सर्विसेज बढ़ेंगी SSC के अंदर, और ये सर्विसेज बढ़ेगी दूसरी सभी उन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जहाँ से अब डिमांड बढ़ने जाने वाली है. क्योंकि प्रशासन को मजबूत करने के लिए, प्रशासन की नई जरूरतों के लिए गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब बढ़ेंगे. दूसरा, प्राइवेट सेक्टर भी बहुत तेजी से बढ़ेगा. और जो सबसे बड़ा चेंज होगा, देयर विल बी ए चेंज इन इकोनॉमी. वो चेंज ये होगा कि आने वाली जो इकोनॉमी है वो डिजिटल इकोनॉमी होगी. तो ये एक बड़ी बात होगी कि आज तक हमने जिन कैरियर के बारे में कोई नाम नहीं सुने हैं, जिन कैरियर के, वे सारे कैरियर आने वाले कल में COVID-19 के बाद में दिखाई देंगे. तो देयर विल बी बिग change in economy, and economy will be converted into digital economy. For Indian students ke liye to is economy mein, desh mein aur duniya mein bahut badi sankhya ke andar career hote. Few days back
a very important research study published by well-known research organization, it is McKinsey. This report says in next decade up to 2030, there will be a big change in economy, world economy, Indian economy. 10 crore traditional career jobs will be converted in digital jobs. And at a time, Indian youth will be a asset of the Indian economy as well as the world economy. But it will be required that Indian youth should be converted into professional and skilled. ये बहुत बड़ी बात है. इसका एक एक शब्द आप ध्यान से सुने. दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी, पूरी दुनिया जिसकी रिसर्च को मानती है, वो मैकेंजी है. मैकेंजी ने कहा कि 2030 तक इस दशक में पूरी दुनिया के अंदर 10 करोड़ जो ट्रेडिशनल जॉब है, जो परंपरागत नौकरियां हैं, वो डिजिटल नौकरियों के रूप में कन्वर्ट होगी. और उस समय सबसे ज्यादा मौके, दिस इज द मेन थिंग, बहुत बड़ा पॉइंट है. मैकेंजी ने कहा कि सबसे ज्यादा मौके भारतीय युवाओं के मौकों के अंदर होंगे. और ये जरूरी है कि इंडियन स्टूडेंट को डिजिटल होना पड़ेगा, इंडियन स्टूडेंट को प्रोफेशनल होना पड़ेगा, स्किल्ड होना पड़ेगा. तो सबसे पहले आप अपने मस्तिष्क से ये बात निकाल दीजिए कि भविष्य क्या होगा. हमारा भविष्य नई इकोनॉमी में कोविड-19 के बाद के दौर में क्या होगा. देश और दुनिया की रिपोर्टें कह रही हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जॉब बढ़ने वाले हैं. तो ये एक बहुत पॉजिटिव सिनेरियो जितनी दुनिया की रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा दिया जा रहा है. आई हैव इन्फॉर्म दैट स्टूडेंट्स ऑफ 10, 11, and 12 आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस वेबिनार. सो आई विल ट्राई टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू 10th student related to 11th and 12th students. When we talk from the 10th student point of view, जैसे ही कोई student 10th pass करता है, सबसे बड़ा जिंदगी का जो मोड़ अब खासतौर से पहले भी महत्वपूर्ण था और अब ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, और वो मोड़ जो होगा वो है subject selection after 10th. ये सबसे महत्वपूर्ण है. तो 10th के बाद हम subject कैसे चुने, you have to bear in mind that after 10th, subject selection should be based on interest, it should be based on ability, and it should be based on capacity. ये तीन पॉइंट आप नोट करें. इन तीन पॉइंट को बहुत ध्यान से सुने, याद रखें कि हमारा इंटरेस्ट देखें, हमारा जो योग्यताओं का पैमाना है वो देखें, क्षमताएं. फाइंड आउट योर इंटरेस्ट, फाइंड योर एबिलिटी, एंड फाइंड आउट योर कैपेसिटी. इन तीन बातों के आधार के ऊपर आप ये तय करें कि हमें कौन से सब्जेक्ट लेना है. अब एक प्रश्न ये है, बहुत बड़ा प्रश्न है, कि अब तक 10th की परीक्षाएं होती रही हैं, लेकिन इस बार 10th की परीक्षा नहीं हुई है, जनरल प्रमोशन हुआ है. तो जो सिलेक्शन होता था सब्जेक्ट का, वो सब्जेक्ट का सिलेक्शन होता था खासतौर से 10th के मार्च पे. तो अब ये जनरल प्रमोशन है. अब सब वे स्टूडेंट और वे पेरेंट्स सुने कि जनरल प्रमोशन है तो हम क्या करें. हमको 7th, 8th, and 9th, 7th में हमारे मार्क्स कितने हैं, 8th में कितने हैं, 9th में PCM की तरफ हम जा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो हमारे बहुत अच्छे मार्क्स होने चाहिए साइंस और मैथ्स में. और यदि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं 9th में, 8th में और 7th में, मैथ्स में और साइंस में, तो एनीबडी कैन ऑप्ट फॉर PCM. तो ये एक मार्क्स का जो बड़ा महत्वपूर्ण था कि 10th के मार्क्स के आधार पर हम कौन से सब्जेक्ट चुने. तो ये अब हमको देखना है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाउ टू सिलेक्ट सब्जेक्ट आफ्टर 10th, और जब जनरल प्रमोशन है तब हम क्या करें. तो ये आप ध्यान रखें. पहली बात, आफ्टर 10th वी आर हैविंग फाइव ऑप्शन इन इंदौर, 5 ऑप्शन इन MP, एंड 5 ऑप्शन इन इंडिया. थ्रू आउट इंडिया वी आर हैविंग 5 ऑप्शन. PCM is there, PCB is there, commerce is there, agriculture is there, and humanities is there. And anybody has to choose one subject, one group out of 5. In 5 group mein se humko ek group ko chunna hai. So it should be based on interest, ability, or capacity. Ab jab hum
यदि मान लीजिए पीसीएम पे जा रहे हैं, हमारा साइंस पे स्ट्रॉन्ग है, हमारा मैथ पे स्ट्रॉन्ग है, पीसीएम पे जा रहे हैं, तो पीसीएम जब सब्जेक्ट ले रहे हैं तो 11-12 जब हम करेंगे तो हमारा लिए ये महत्वपूर्ण होगा कि 11-12 की भी तैयारी हो, और जो इंट्रेंस एग्जाम है जेई मेंस हैं और दूसरे इंट्रेंस एग्जाम है, हम उनकी भी तैयारी करें। यदि हम पीसीबी ले रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप ले रहे हैं, तो 11-12 के साथ हमको पीसीबी की बहुत अच्छी तैयारी करना है, और पीसीबी के लिए जो हमारे कैरियर के एग्जाम्स हैं जैसे हमारे सामने नीट है 12th के बाद में, तो उसके लिए भी हमको तैयारी शुरू करना है। हम यदि एग्रीकल्चर ग्रुप ले रहे हैं तो एग्रीकल्चर की तैयारी और उसके साथ में 12th के बाद में जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी तैयारी पे हमको उठना चाहिए। कॉमर्स की तरफ हम जा रहे हैं तो कॉमर्स के साथ में यदि हम मैथ्स का लेते हैं, एक एडिशनल सब्जेक्ट है, व्हेन एनीबडी इज गोइंग टू ऑप्ट फॉर कॉमर्स विद मैथ्स, तो हमारे लिए कैरियर के ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ये कोशिश करनी चाहिए कि हम मैथ्स जरूर लें, क्योंकि मैथ्स यदि हम ले लेते हैं कॉमर्स के साथ में तो दो ऑप्शन हम छोड़ दें, एक मेडिकल साइंस में मेडिकल साइंस के कैरियर नहीं बनेंगे और एक इंजीनियरिंग के कैरियर नहीं बनेंगे, बाकी हम मैथ्स को आधार बनाकर कॉमर्स के साथ में मैथ्स को रख के हम बहुत सारे कैरियर बना सकते हैं। यदि हम कॉमर्स विद मैथ ले रहे हैं तो हमारे पास में अकाउंटिंग के ऑप्शन होंगे, हमारे पास में सीए का ऑप्शन होगा, हमारे पास में कंपनी सेक्रेटरी का ऑप्शन होगा, हमारे साथ में ICWA कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑप्शन होंगे। इसके अलावा वो सारे ऑप्शन जो मार्केटिंग से संबंधित हैं, जो मैनेजमेंट से संबंधित है, सेल्स से संबंधित हैं, वे सब भी हमारे पास में होंगे। एग्रीकल्चर यदि हम लेते हैं तो इट इज़ अ टाइम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के कैरियर देश में भी हैं और दुनिया में भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ह्यूमैनिटीज में भी कैरियर की कोई कमी नहीं है, चाहे हम लैंग्वेज ले रहे हैं तो भी कैरियर है हमारे पास में, हमारे पास फॉरेन लैंग्वेज के कैरियर है, इंग्लिश लिटरेचर में कैरियर है, हम ह्यूमैनिटीज के अंदर कोई भी सब्जेक्ट लें, पॉलिटिकल साइंस करियर है, इकोनॉमिक्स में भी करियर है, ज्योग्राफी में भी करियर है, हिस्ट्री में, तो कैरियर की कोई कमी नहीं है हमारे पास में, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एबिलिटी एंड कैपेसिटी। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि COVID-19 जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पेंडेमिक के बाद में किस तरह से कैरियर का सिनेरियो बदल रहा है, और जब आप 10th, 11th, 12th में है, पेरेंट्स भी इस समय यहाँ पर इसको अटेंड कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी तरह से इस बात को देखें कि कुछ कैरियर ऐसे हैं जो मैथ से जुड़े हैं, यदि पीसीएम है तो भी कैरियर हैं, बहुत आगे बढ़े हैं जिसकी हम अभी बात करेंगे, पीसीबी है तो भी कुछ कैरियर इतने आगे बढ़े हैं कि हम 2-4 साल पहले जिसके बारे में सोच नहीं सकते हैं, कॉमर्स है तो भी कैरियर बढ़े हैं, और एग्रीकल्चर है तो भी कैरियर बढ़े हैं। हम बात करें पीसीएम, यदि कोई स्टूडेंट एनीबडी इज गोइंग फॉर पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पेंडेमिक के बाद में इस महामारी के बाद में पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बहुत तेजी से कैरियर के ऑप्शन के रूप में उभर रहा है, और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो कैरियर होते हैं, रोबोटिक्स का कैरियर है, IT का कैरियर, IT कैरियर बहुत दुनिया में बड़ा है। हम देखें कि पूरी दुनिया जब कोरोना की पहली लहर थी, कोरोना की दूसरी लहर थी, तो पूरी दुनिया बड़ी मुश्किल के अंदर थी, और ऐसे में इंडियन स्टूडेंट्स ने वर्क फ्रॉम होम पूरी दुनिया के लिए सपोर्ट का कारण बन गया था। तो ये IT इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, PCM के स्टूडेंट के लिए फायदे में होगी। हम और आगे बढ़ें तो जो रोबोट इंडस्ट्री है वो भी आगे बढ़ रही है, एक बहुत महत्वपूर्ण कैरियर वो है डिजिटल साइंस का, और डाटा साइंस का कैरियर है वो भी, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, PCM के स्टूडेंट है, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे COVID-19 के बाद में कई कैरियर PCM के स्टूडेंट के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं और ये बढ़ते रहेंगे। हम यदि मान लीजिए PCB की बात करें जो स्टूडेंट ले रहे हैं, तो आप बड़े ध्यान से देखें कि कौन से कैरियर उभरे इस समय COVID-19 के बाद में। नर्सिंग का कैरियर देश में दुनिया में छलांग लगा के आगे बढ़ा है, रेडियोलॉजी का कैरियर, CT स्कैन, कई लोग नाम तक नहीं जानते थे CT स्कैन का, वो एक बहुत सबसे कॉमन नाम हो चुका है, रेडियोलॉजी का कैरियर बना है, पैथोलॉजी के अंदर कैरियर बने हैं, और ये जो कैरियर हैं इनके साथ साथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट पूरे देश में, पूरी दुनिया में हॉस्पिटल के अंदर एक जो कमी दिखाई दी वो मैनेजमेंट की कमी दिखाई दी, लोगों की पीड़ाएँ बढ़ी हैं, तो पूरी दुनिया
हेल्थ बैकग्राउंड पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रही है, तो ये जो करियर है COVID-19 के बाद के बहुत तेजी से बढ़े हैं। COVID-19 के बाद में कॉमर्स के करियर अकाउंटेंसी के आगे बढ़े हैं, ऑडिट के करियर बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, और ये ऐसे करियर हैं जो और तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि टैक्स सिस्टम बदल रहा है, टैक्स सिस्टम बहुत तेजी से बदला है, और टैक्स सिस्टम बदलने से जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जो अकाउंटिंग के करियर हैं, टैक्सेशन के करियर हैं, उनका इम्पोर्टेंस बढ़ता गया। तो डिजिटल दुनिया होती जा रही है, डिजिटल दुनिया के अंदर हम देखें तो डिजिटल मार्केटिंग बढ़ रहा है, रोबोटिक्स बढ़ रहा है, डिजिटल इकोनॉमी पूरी तरीके से आगे बढ़ती जा रही है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ रही है, फार्मा इंडस्ट्री। आप कल्पना करें कि पिछले एक साल में पूरी दुनिया के 153 देशों के अंदर, पूरी दुनिया में 153 देशों में भारत की दवाइयां गई हैं, पूरी दुनिया के 175 देशों के अंदर भारत ने फूड प्रोसेसिंग से जो प्रोडक्ट बने हैं उनको एक्सपोर्ट किया है। तो ऐसे पूरी दुनिया के अंदर कई जो बातें हैं वे भारत से आगे बढ़ी हैं, और उनके कारण भारतीय स्टूडेंट का उन विधाओं में करियर बढ़ा है। तो निश्चित रूप से COVID-19 के बाद में भारतीय स्टूडेंट्स के लिए करियर के जो आस्पेक्ट हैं वो छलांगे लगाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि अगले डिकेड के अंदर इतने करियर ऑप्शंस हमारे पास में होंगे जो कि भारतीय स्टूडेंट्स को बहुत लाभान्वित करते हुए दिखाई देंगे, जिनसे वे देश की इकोनॉमी को और दुनिया की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो पेंडेमिक में हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें जितना टेंशन है उसको छोड़ देना चाहिए, और खास तौर से जब मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ अ टाइम ऑफ इंडियन स्टूडेंट, ये भारतीय युवाओं का समय है, और डिजिटल इकोनॉमी के अंदर, नए दौर की इकोनॉमी में, पोस्ट कोविड इकोनॉमी में जो सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं, जो कैरियर के, रोजगार के सबसे ज़्यादा मौके हैं, यदि किसी देश के युवाओं की भुट्टियों में आएंगे तो वो भारत की युवाओं की भुट्टियों में आएंगे। तो बी पॉजिटिव, बी ऑनेस्ट, एंड ऑलवेज रिमेंबर द सेंटेंस ऑफ द विवेकानंद, अराइज अवेक एंड गो अहेड टिल द टारगेट इज अचीव्ड, उठो जागो और आप तब तक आगे बढ़ते रहें जब तक कि आपका कैरियर का टारगेट पूरा नहीं हो जाए। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अभिलाषा जी टू स्टार्ट ओपन करियर आंसर सेशन। ओके, so now we will be starting with our Q&A session. So students, you can raise your hand, I'll call you out, or you can send your messages on chat box. Okay, Isha, what is your query, bachcha? Good afternoon, sir, ma'am. I am Isha Prajapat from Indore. मेरा क्वेश्चन है कि मैं एक जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ, बट मुझे पता नहीं कि इसके लिए किस तरह से मुझे कौन सी सब्जेक्ट लेना चाहिए और क्या करना चाहिए। प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन ईशा, क्या क्वेश्चन है आपका, रिपीट करें। सर मैं एक जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। COVID-19 के बीच में जर्नलिस्ट की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है, जर्नलिस्ट की भूमिका, क्योंकि COVID-19 में हमने देखा कि जो मुश्किलें थी, जो तड़फ, जो दर्द थे, वे सारे यदि हम तक पहुंचाए गए और जो जागरूकता हम तक पहुंच गई, जो अवेयरनेस हमको चाहिए हम तक, वो जर्नलिस्ट के माध्यम से पहुंचाई गई। तो जर्नलिस्ट का एक जो आपने सपना है करियर का, बहुत अच्छा सपना है। जर्नलिस्ट बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाउ टू मेक ए जर्नलिस्ट। आप याद रखें कि जर्नलिस्ट बनने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं, एक प्रिंट मीडिया का, जर्नलिज्म इन प्रिंट मीडिया एंड जर्नलिज्म इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यदि आप जर्नलिज्म में जाना चाहती हैं तो तय करें कि विच वन विल बी बेटर, आइदर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आप जो भी जाना चाहें, है ना, प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, आफ्टर 12 देर इज ए स्पेशल कोर्स फॉर जर्नलिज्म। 12वीं जैसे ही आप करेंगे तो 12वीं के बाद में जर्नलिज्म के कोर्स मिलेंगे, ये कोर्स DAVB
देवी अंजना विश्वविद्यालय इंदौर में भी मिलेगा और देश के कई यूनिवर्सिटीज में है। और सबसे बढ़िया जो कोर्स माने जाते हैं वो है भारतीय जनसंचार संस्था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, यू कैन नोट डाउन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, भारतीय जनसंचार संस्था। आप जर्नलिज्म में जाना चाहती हैं, आप हिंदी अच्छी रखें, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और आपके पास में कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा जनरल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जर्नलिज्म में जाना है तो जनरल नॉलेज हमारा अच्छा होना चाहिए। इसके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग करें और जो मैगजीन्स होती हैं जनरल नॉलेज की मैगजीन्स होती हैं, जब आप 11th 12th में हैं तो ऐसी मैगजीन भी पढ़ें आप। आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो प्रतियोगिता निर्देशिका है, दर्पण है, इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू है, कॉम्पिटिशन मास्टर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रेटेजी यू कैन बिकम ए सक्सेसफुल जर्नलिस्ट। ओके, अब सोनिया ताइडे आप क्वेश्चन पूछेंगे। प्लीज अनम्यूट सोनिया ताइडे। There's some problem, please wait. No problem. Yes. Please unmute Abhilasha also. Okay, now I am. Okay, Trisha, what is your question, Bacha? Yes, ma'am. Good evening, sir. Am I audible, ma'am? Yes, Trisha, you're audible. Yes, ma'am. Good evening, sir. I'm Trisha Sat from Indore. I am in Sikka Senior Secondary School. Currently, I am in 10th class. So actually, I want to go in Air Force and want to become a fighter pilot. But there is some medical problem with me. I have specs and I also have flat foot. That is very major problem in defense. So, sir, can you please tell me what should I do to prevent these medical problems? बात ये है कि यदि हम किसी भी ऐसी सर्विस में जाना चाहते हैं जहाँ फिजिकल मेजरमेंट का महत्व होता है, तो ऐसी सर्विस के अंदर हम तब तक नहीं जा सकते जब तक कि वो फिजिकल मेजरमेंट हम पूरे नहीं कर पाते हैं। नाउ वी टॉक फ्रॉम द एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे एनडीए में स्टूडेंट जाते हैं तो जो उनके फिजिकल आर्म्स होते हैं वे सब पूरे होने चाहिए। तो आप भी यदि ऐसा सोच रही हैं कि हमारे कुछ कमी है, उधर हम जाना चाहते हैं, तो फिर हमको सेकंड ऑप्शन के बारे में जरूर सोचना चाहिए। और अभी आप टेंथ में हैं तो इट विल बेटर आप पीसीएम के बारे में सोच सकती हैं। पीसीएम से हमारे पास में कैरियर के बहुत ऑप्शन होंगे, या कॉमर्स विथ मैथ्स के बारे में भी सोच सकती हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी बनाइए, पहली प्रायोरिटी आपकी चाहे वो हो जो आप सकते हैं, बट when you are feeling and when you are facing some problem, then you have to think over for your second plan, second option should be there. Okay, आप either PCM or commerce with math में तो एक अच्छा career हम बना पाएंगे। Okay? Yes, sir. So actually, I have one more doubt. Can I ask? Oh, okay. Yes, sir. Sir, other than fighter pilot in defense field, sir, और कोई सी ऐसी पोस्ट है जिसमें मैं ट्राई कर सकती हूँ, जिसमें अच्छा करियर हो सकता है? सर, आप प्लीज एक अच्छा पोस्ट आप प्रेफर करेंगे। ये है कि फाइटर पायलट का जो एक आपका प्लान है, यदि वो एनडीए से हो या
कहीं प्राइवेट सेक्टर का भी यदि हो तो हमारे जो मेजर्स उसके जरूरी होते हैं, यदि वो नहीं है तो हम नहीं जा सकते। लेकिन आप पीसीएम में बहुत इंटरेस्ट रखें, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में यदि आप मास्टरी कर सकें तो साइंस फील्ड के अंदर तो बहुत तेजी से बढ़ते हुए ऑप्शंस हैं, और जिनमें आप वो चाहती हैं कि आपका जो साहस है जिसके बारे में आप सोचती हैं कि हम पायलट बन के उसको पूरा करें, वैसे वैसे आप बहुत अच्छा साइबर सिक्योरिटी जो आप पूछ रही हैं, साइबर सिक्योरिटी के अंदर यदि आप स्किल्स अपने लगाएंगी तो वहाँ भी आपको एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा साइबर सिक्योरिटी के अंदर। और जो अभी रिपोर्टें आ रही हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर देर विल बी ए बिग डिमांड आप 1 करोड़ पर्सन स्किल्ड पर्सन इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड, तो आप 10 के बाद में पीसीएम लीजिए और ये एक टारगेट बनाइए कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम अपना कैरियर बनाएंगे, देन दैट इज ए कैरियर इन डिमांड। ओके, वो आप रख सकती हैं। ओके सर, सर 11th और 12th की स्टडीज और जेई मेन एडवांस का सर जो प्रिपरेशन रहेगा सर, उसको बैलेंस कैसे करा जाए, क्योंकि सर दोनों में एकदम बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है सर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ना। यू हैव टू ऑप्ट फॉर पीसीएम, ये एक तय है क्योंकि हमको वो लेना चाहिए। अब प्रश्न ये है, बहुत बड़ा प्रश्न है आपका और बहुत सारे स्टूडेंट का और पेरेंट्स का भी होगा ये प्रश्न कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेई मेंस एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर 11th एंड 12th। दोनों के अंदर देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द सिलेबस एंड बिटवीन द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, ये एक और अलग बात है। 11th 12th का हमारा पैटर्न अलग होगा एग्जाम का, और हमारा जेई मेंस का पैटर्न अलग होगा। आप ये करें कि डिवाइड योर टाइम इंटू 2 पार्ट, 1 पार्ट फॉर your 11th 12th preparation and second part your JEE mains preparation। आप बिल्कुल ये बात ध्यान रखें कि 11th and 12th these 2 years are backbone of the career, you can note down and everyone has to note down 11th and 12th these 2 years are backbone of the career, science के लिए वालों के लिए भी है, commerce के लिए और PCM के लिए। और हमको ये करना है कि हमारा एक कदम, हमारा एक स्टेप, हमारा एक पैर हमारे 11th 12th की तैयारी की तरफ आगे बढ़े, और एक हमारा जो दूसरा कदम है, दूसरा स्टेप है, वो हम पूरी तरह से हम एंट्रेंस की तैयारी की तरफ करें। और आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसलिए कि यदि 12th के बाद में हम एंट्रेंस में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे हैं तो चाहे हमारे 11th 12th के अंदर कितने भी अच्छे मार्क्स होंगे, उनके आधार पर हम कोई बहुत अच्छा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट या प्रोफेशनल कोर्स नहीं ले सकते। तो आप 11th 12th में अपने आप को पूरी तरह से डिवोट करते हैं, फॉरगेट अदर ऑल थिंग्स, रिमेंबर ओनली योर करियर एंड डिवोट योरसेल्फ फॉर योर करियर, पूरी तरह से समर्पित हो जाइए। आप तैयारी करें, 12 घंटे की तैयारी करें, 6 घंटे आप 11th 12th को दें और 6 घंटे अपनी तैयारी करें आप जेई मेंस की। तो ऐसा एक जो डिविजन आप कर लेंगे, जो आप मैनेजमेंट कर लेंगे, टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे, तो यू विल बी इन द रेस। ओके ओके सर, सर थैंक यू सो मच सर। मैं एक एनसीसी कैडेट भी हूँ तो सर एनसीसी के थ्रू भी एंट्रीज होती है ना डिफेंस में? हेलो, रिपीट योर क्वेश्चन। हेलो, यस सर, सर मैं एक एनसीसी कैडेट भी हूँ तो सर एनसीसी के थ्रू भी बहुत सारी एंट्रीज होती है डिफेंस में। सर अगर आप एनसीसी के सी सर्टिफिकेट होल्डर है तो आपको डायरेक्ट एसएस भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो सर मैं एनसीसी से भी जा सकती हूँ? इट इज ए गुड क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट यू विल गेट जॉब इन आर्मी एंड अदर सर्विसेज आल्सो, एंड दिस दैट सर्टिफिकेट विल बी यूजफुल इन करियर 100%, and it is your achievement. okay sir, so thank you so much sir for your guidance. Thank you. Reena Bhature, what is your question? Good evening sir and ma'am. Good evening. मैम मैं बी फार्मा की स्टूडेंट हूँ।
सेकेंड ईयर बी फार्मा की स्टूडेंट हूँ और मैं मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। तो मुझे ये जानना था कि आफ्टर माय ग्रेजुएशन कंप्लीट में किस फील्ड में किस तरीके से इसमें आगे बढ़ सकती हूँ, यही क्वेश्चन था। अच्छा प्रश्न है, बी फार्मा आप सेकंड ईयर के अंदर हैं? यस। बी फार्मा की तैयारी के साथ में आप बहुत अच्छे करियर के लिए एम फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें। एक बात, एम फार्मा का जो एंट्रेंस होगा उसकी तैयारी करें। एम फार्मा से देश में मेडिकल साइंस के बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके पास में हो जाएंगे। दूसरी बात, बी फार्मा करने के बाद में आपके साथ में आपके पास में फार्मा इंडस्ट्री में करियर होंगे, आपके पास में गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत तेजी से वैकेंसी निकलती जा रही है और फार्मा को विजिलेंस, you have to remember this name of the career, pharmacovigilance, इसमें बहुत तेजी से डिमांड निकली है। ये वो करियर है जिसमें यदि नकली दवाइयां बनाते हैं तो उनकी रोकथाम के लिए प्रयास किए जाते हैं। अभी कोविड 19 के अंदर हमने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में देश में दुनिया में नकली दवाइयां सामने आई है, नकली इंजेक्शन सामने आए हैं। तो फार्माकोविजिलेंस भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन आपके पास में हो सकता है और ये बहुत अच्छा होगा कि आप बी फार्मा के बाद में एम फार्मा करें और इसकी जो एंट्रेंस एग्जाम है बी फार्मा के बाद आप तो देश के जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे हमें अच्छे से अच्छे करियर संभावनाएं बनेंगी। और कोविड 19 में निश्चित रूप से जब ये कोरोना की दूसरी घातक लहर के बीच में आज करियर की बात कर रहे हैं, कोरोना की दूसरी घातक लहर के बाद में कोविड 19 के बाद में फार्मेसी में करियर बहुत तेजी से बढ़े हैं और आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो ये जो करियर आस्पेक्ट मैंने आपको बताए हैं यू हैव टू रिमेम्बर दिस आस्पेक्ट एंड चूज एनी वन ऑफ दिस करियर ऑप्शन, बट यू हैव टू रिमेम्बर एंट्रेंस एग्जामिनेशन आफ्टर योर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन एंड डेफिनेटली यू विल गेट गुड करियर। Okay. Thank you, sir. I hope you are satisfied, Reena. Yes, ma'am. Okay. Now I would like to call Rupali. Yes. Sir, उसके लिए GPAT की preparation करना रहता है. Hello. तो आप मुझे थोड़ा explain करेंगे इंदौर में कहाँ मतलब best coaching वगैरह हो जहाँ से मैं कर सकूँ? इस एंट्रेंस एग्जाम की जो परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम की है ना, इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस वही है जो आपका बी फार्मा का सिलेबस है। तो बी फार्मा फर्स्ट ईयर से लेके फर्स्ट सेम से लेके लास्ट सेम तक आपका जितना भी सिलेबस होगा लगभग वही सिलेबस इस एंट्रेंस एग्जाम में काम में आएगा। इस एंट्रेंस एग्जाम की हम किसी कोचिंग की प्लानिंग नहीं करें, इसके बेस्ट नोट्स अवेलेबल हैं। ये नोट्स बहुत अच्छी तरह से आपको इंदौर के मार्केट में हार्ड कॉपी मिल जाएंगी और ऑनलाइन भी आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो डोंट बादर फ्रॉम द कोचिंग पॉइंट ऑफ, इफ यू आर गेटिंग गुड नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ गुड नोट्स यू विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन, डोंट बादर फ्रॉम कोचिंग। ओके ओके सर, थैंक यू सर। Thank you so much for giving me the opportunity to raise my question. Sir, आपका नाम बहुत सुना था, आज पहली बार आपके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा हमें। और मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं प्राइमरी स्कूल चलाती हूँ, I'm running a primary school. So, what is that new education policy is going to affect this school? Like, what will be the criteria now? What will be the age criteria will be there for getting the admissions and till fifth class? Is there any change in NEP? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमारे देश में जो नई एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है वो अभी लागू नहीं हुई, इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड टुडे। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है
वो 1986 के बाद में आई है, 34 साल बाद देश में, 34 साल के बाद में एक नई एजुकेशन पॉलिसी प्रस्तुत हुई है और उसको केंद्र सरकार ने अनुमोदित भी कर दिया है, पर अभी उसे लागू नहीं किया है। अब देखें कि नई पॉलिसी में, एजुकेशन पॉलिसी में क्या बड़े अंतर हैं। अभी तक हमारे यहाँ जो सिस्टम था स्कूल का वो 10+2 था, अब जो है वो सिस्टम है का 5+3+3+4, ये एक सिस्टम आएगा। और जो प्राइमरी एजुकेशन है वो जो पहले 5 साल होंगे, तो पहले 5 साल में जो 3 साल तो प्री नर्सिंग के माने जाएंगे और फर्स्ट एंड सेकंड 2 क्लास, ये जो प्राइमरी का है जो नया स्ट्रक्चर दिया गया है, ये खास सबसे खास बात यहाँ पे है कि ये जो प्राइमरी के 5 साल हैं, ये 5ों साल में जो पढ़ाई होगी वो पूरे देश पर मातृभाषा में, जिस स्टेट की जो मदर टंग है वो उसी मदर टंग में है। और सरकार ने ये कहा है, सरकार ने कहा है, देश के बड़े शिक्षाविदों ने, दुनिया के शिक्षाविदों ने कहा है कि यदि प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में होती है तो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा समझ पाते हैं, उनकी समझ विकसित होती है और वो आगे चल के बहुत टैलेंटेड बन जाते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि यदि प्राइमरी एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए तो देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो संयोग से ये बात इसके अंदर है। दूसरी बड़ी बात, वो सबसे महत्वपूर्ण बात, कि नई एजुकेशन पॉलिसी में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया। आज तक किसी भी एजुकेशन पॉलिसी पर इतना फोकस नहीं था। सिक्स के बाद स्किल डेवलपमेंट के छोटे छोटे से कोर्स होंगे, सब कंपलसरी होंगे स्टूडेंट के। और सरकार की ये मंशा है कि 10th के बाद में कोई भी स्टूडेंट इस स्थिति में हो कि अपना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सके, उसको जॉब मिल सके। तो ये स्किल ओरिएंटेड है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूँ कि COVID-19 के बाद में पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी जरूरत बनी है वो है डिजिटल रिक्वायरमेंट, डिजिटल इकोनॉमी की। नई शिक्षा नीति में शुरू से 6 से डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल एनवायरमेंट, डिजिटल नेसेसिटी, उनके आधार पर तैयारी कराई जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो डिजिटल एजुकेशन पूरी दुनिया की जरूरत बन गई है, पूरी दुनिया डिजिटल, यदि COVID-19 के पहले और COVID-19 के बाद में दुनिया के सबसे बड़े परिवर्तन की हम बात करें तो वो परिवर्तन है, ये दुनिया COVID-19 के बाद में डिजिटल दुनिया के रूप में दिखाई दे रही, पूरी डिजिटल दुनिया के रूप में। तो ऐसे में ये खास बात है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में स्टूडेंट को नई दुनिया की जरूरत के अनुरूप डिजिटल दुनिया से परिचित कराया जाएगा, उसकी तैयारी कराई जाएगी। जो जरूरतें डिजिटल एजुकेशन की है वो 6 से ही शुरू हो जाएगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं नई एजुकेशन पॉलिसी की। और निश्चित रूप से नई एजुकेशन पॉलिसी COVID-19 के बाद के दौर में देश की नई पीढ़ी को बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हुए दिखाई देगी। थैंक यू सो मच सर। बात है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रश्न था। डिजिटल दुनिया के लिए ये तैयार कराएगी नई एजुकेशन पॉलिसी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। 34 साल के बाद में, 86 के बाद में नई पॉलिसी जो आई है वो देश की नई पीढ़ी को मुस्कुराहट दे पाएगी और ये निश्चित है कि ये नई पीढ़ी देश को विकसित देश भी बना देगी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर, आपने एकदम ठीक बोला। काफी बच्चे यहाँ पर हैं जिनको, मतलब नॉर्मली भी जब मैं जिनको पढ़ाती हूँ मुझे पता चलता है कि काफी बच्चे हैं जो, मतलब उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है बेसिकली, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स वो लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और अगर मैं किसी को हिंदी में कुछ सब्जेक्ट अच्छे से समझाती हूँ तो वो चीज उनके दिमाग में बैठ जाती है, पर डर ये बैठा हुआ है कि इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें। बस बच्चों का एक डर मेन यही है कि इंग्लिश में कैसे बोले, इंग्लिश में कैसे करें। तो ये चीज वाकई में बहुत अच्छी है। अभी की तरफ से आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ये डर निश्चित रूप से होता है कि हमने इंग्लिश पढ़ी जरूर है लेकिन हम इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह बात नहीं कर पाते हैं, एक डर ये भी होता है। और दूसरा ये कि सब कुछ मदर टंग में ही होता है तो फिर वो इंग्लिश में एक हिचकिचाहट बनी रहती है।
मेरे पास में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं, वो शहरों के नहीं गांव के भी आए हैं, बहुत बहुत बड़ी संख्या में, कोई 10 के बाद आया, कोई 12 के बाद आया, और ऐसे सैकड़ों सैकड़ों स्टूडेंट जो आज पूछ रही हैं, सैकड़ों स्टूडेंट के प्रश्न थे। और ये प्रश्न मेरे जो कॉलम रहते हैं देश के सारे अखबारों में, जैसे मध्य प्रदेश में सरकार का अखबार है रोजगार निर्माण, तो वहाँ एक कॉलम आता है मेरा 20 साल से, उसका नाम है हमसे पूछिए। हमसे पूछिए में करीब 100-200 बार पेरेंट्स ने और स्टूडेंट ने यही पूछा है कि हम इंग्लिश अच्छी तरह नहीं बोल पाते, इंग्लिश का जमाना है, इंग्लिश के बिना हम करियर कैसे बनाएं। सबसे पहली बात तो हमको ये देखना है कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, ये हमारे दिमाग में भी रखना है, हमारे स्टूडेंट के दिमाग में भी रखना है। कैसे करेंगे हम शुरू से, जब वो किसी भी कक्षा में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, हम ये काम एक करें उनको कि एक इंग्लिश की कहानी की छोटी कहानी की जो मंथली कहानी की किताब होती है ना, और एक हिंदी में भी वो आती है। हम एक उदाहरण ले चंपक, चंपक हिंदी में भी आती है, चंपक इंग्लिश में भी आती है। तो एक 10-15 का आप ग्रुप बनाते हैं, हिंदी की चंपक भी रखें, इंग्लिश की चंपक भी रखें, तो उन दोनों से उनको समझ आने लगेगा कि हिंदी में जो बात है वो इंग्लिश में कैसे हैं। और जब कहानी के रूप में पढ़ेंगे वो, तो एक धीरे धीरे वो डेवलपमेंट होगा कि हमको शुरू से समझ में आने लगेगी बात। तो ये बात करें कि जब शुरू से यदि इंग्लिश की कमजोरी लग रही हो, है ही सही, तो हम उनको ये एक हैबिट डेवलप करें कि चंपक जैसी कोई मैगजीन को जो बच्चों की कहानी की होती है, जिसे बहुत बड़ी संख्या में पढ़ते हैं, हम एक ग्रुप के अंदर देते हैं। हर स्टूडेंट नहीं खरीदता तो 5 या 10 की संख्या में देते हैं। ये भी करते हैं कि हिंदी की भी और इंग्लिश की भी हो, तो वो उससे एक डेवलपमेंट उनका होता जाएगा। नंबर दो, दूसरा हम ये करें कि शुरू से उनको न्यूज़पेपर रीडिंग की तरफ अपने ले जाएं, न्यूज़पेपर रीडिंग की तरफ। बड़े बड़े हेडिंग जो न्यूज़पेपर के अंदर आते हैं, इंग्लिश के न्यूज़पेपर में जो आते हैं, पहले हिंदी न्यूज़पेपर के हेडिंग पढ़ लें, फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर हेडिंग पढ़ लें, तो इससे भी एक इम्प्रूवमेंट होगा। तीसरी बात हम ये करें कि इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स आते हैं, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये जो कोर्स की किताबें आती हैं, जैसे रेपिडेक्स आती है, ऐसे बहुत सारी किताबें आती हैं, छोटी छोटी सी किताबें आती हैं, तो उनमें हम उनको लेसन याद कराने लगे। लेसन के अंदर पहला लेसन है वो शब्द याद करा दें, 10 सेंटेंस उनको याद करा दें। और मैं आपको बताऊं कि इन तीन तरीकों से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो गाँव के थे, वो हिंदी मीडियम के थे, उन्होंने कॉन्फिडेंस रखा, उन्होंने अपने आप को डेवलप करा, और वो 12th के बाद में इंग्लिश मीडियम में गए, और आज देश के दुनिया के कई कॉलेजों में वो इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ा रहे हैं। देश में और दुनिया में वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गए, वो मेडिकल साइंस में आगे बढ़ गए, फिजिक्स से साइंस में बहुत तेजी से आगे बढ़ गए। तो इससे कॉन्फिडेंस उनका बनेगा इन तीन बातों से, आप ये जरूर कराएं। और ये काम ये भी करें कि कम से कम रोज 15 से 20 मिनट उनसे आप बच्चों से कहें कि जो है जैसी है इंग्लिश में बात करें, आपस में आपके साथ भी शेयर करें, वो भी करें, तो जो कमी होगी आप बता पाएंगी, और एक उससे उनका डेवलपमेंट करें। निश्चित रूप से एवरीबडी विल इंप्रूव इंग्लिश ऑन दिस फोर वे। बिल्कुल सही। अब अमर आप क्वेश्चन पूछेंगे। हेलो हाँ बोलो बेटा, यू कैन आस्क। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर। मैम हमारी बहुत टाइम से ये इच्छा है कि हम है नर्सिंग में हम जाए, बट हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि मतलब हमारी इतनी मतलब हमारे बाकी सब सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कवर है, बट इंग्लिश इतने अच्छे से कवर नहीं हो पाती है मैम हमसे। हेलो यस मैम। अच्छा प्रश्न है आपका, नर्सिंग में आपकी इच्छा है, और मैं बताऊं कि जब हम COVID-19 की बात कर रहे हैं, COVID-19 की बात कर रहे हैं, तो देश और दुनिया में यू हैव टू बियर इन माइंड, देश और दुनिया में नर्सिंग का करियर सबसे ज्यादा आगे बढ़ा, एक बात। दूसरी बात, नर्सिंग के करियर में यदि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो आप चिंता मत कीजिए, चिंता इतनी नहीं कीजिए,
कि यदि हमको नर्सिंग में करियर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ऑप्ट फॉर पीसीबी, यू कैन नोट डाउन व्हेन यू आर इंटरेस्टेड टू मेक योर करियर इन नर्सिंग देन यू हैव टू ऑप्ट फॉर पीसीबी, तो पीसीबी लिखना है। यदि मान लीजिए अच्छी नहीं है पीसीबी लें 12th के बाद में, 11th 12th कोशिश करें कि इंग्लिश मीडियम में हो जाए, कोशिश करें इंग्लिश मीडियम में यदि नहीं भी हो रहा है तो इंग्लिश को भी ठीक हो जाए। 12th के बाद में हम जो एंट्रेंस एग्जाम होती है नर्सिंग की वो 12th के बाद में होती है। 12th में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम नहीं है तो भी ऑन द बेसिस ऑफ गुड बायोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ गुड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यू मे बी सिलेक्टेड इन नर्सिंग। तो डोंट बादर फ्रॉम इंग्लिश पॉइंट ऑफ, इंग्लिश का आप चिंता मत करो, कोशिश करो कि इंग्लिश इंप्रूव हो जाए, पर यदि नहीं भी है तो 12th के बाद जो आपका नर्सिंग का पेपर आएगा, आप नोट करें याद रखें, नर्सिंग का जो भी पेपर आएगा वो इंग्लिश में भी होगा और वो हिंदी में भी होगा। तो हमारा यदि टैलेंट है, हमें सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा सिलेक्शन होगा। और नर्सिंग की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अभी आप देखें कि पिछले 2 महीनों के अंदर पूरे देश के हर एक स्टेट ने मध्य प्रदेश भी है, नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए अलग से वैकेंसी निकाली है। इतनी डिमांड है और ये डिमांड बढ़ती ही जाएगी। और इंडियन स्टूडेंट की डिमांड, नर्सिंग के स्टूडेंट की डिमांड नाइदर ओनली इन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो यू विल गेट जॉब ऑप्शन नॉट ओनली इन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो डोंट बदर फ्रॉम द इंग्लिश पॉइंट ऑफ। यस सर, सर पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी इंग्लिश अच्छे से कवर हो जाए। आप इंग्लिश अच्छी करना चाहती हैं, इन विच क्लास में स्टडिंग, आप कौन से क्लास में पढ़ रही हैं? सर मैं 9th क्लास में हूँ, बट अभी से ये इच्छा है कि मैं अच्छे से इंग्लिश कवर कर लूँ, इसीलिए मैंने ये क्लास अच्छे से रेगुलरली से ज्वाइन करूँगी मैं ये क्लास। गुड, ये बहुत बढ़िया है। ये जो सोसाइटी कर रही है वो एक तपस्या का काम कर रही है, बहुत बड़ा काम है, है ना, जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ा अभियान है इनका। तो वास्तव में इस संस्था को आपको बधाई देना चाहेंगे। इंग्लिश इंप्रूव करना है, आप ये करें कि इंग्लिश अखबार, पहले हिंदी अखबार पढ़ लें तो 15 मिनट, और बाद में इंग्लिश अखबार शुरू करें। उनमें जो कठिन शब्द आपको लग रहे हैं उसको एक कॉपी में नोट करें, पहले स्पेलिंग लिखें, प्रोनाउंसिएशन लिखें, मीनिंग लिखें। जैसे मान लीजिए हम बायोलॉजी पढ़ा हमने, तो आप पहले स्पेलिंग लिख लीजिए शुरू के अंदर BIOLOGY बायोलॉजी लिख लिया, उसके बाद में उसका प्रोनाउंसिएशन लिख लीजिए और उसका मीनिंग। तो ऐसे रोज यदि आप 10-20-25 शब्द भी लिखेंगे तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होने शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, फर्स्ट यू हैव टू रीड हिंदी न्यूज पेपर हेडलाइंस इन हिंदी न्यूज पेपर, देन यू हैव टू रीड हेडलाइंस इन इंग्लिश। लगभग हिंदी में भी वही बातें होती हैं जो इंग्लिश में। तो जब हिंदी का हमको मालूम होगा कि कौन सी बात है इसके अंदर, कौन सी घटना है, वो इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में भी आएगी और फिर उससे हमारा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ये 3 बातें आप करें, डेफिनेटली यू विल। थैंक यू सर। जी सर, कुछ लॉ के स्टूडेंट हैं जिनकी काफी सारी क्वेरीज हैं। अमर मुस्कान, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। Yes, am I audible? Yes, yes, you can ask. Good evening, sir. Thank you for your guidance so far. Sir, my question is कि अभी चूंकि हम pandemic में हैं और lockdown लगातार होते रहते हैं, तो work from home एक regular thing हो गया है और आगे चल के work from home की बहुत काम होगा हम सब के लिए। तो सर ऐसी क्या चीजें हैं जो जरूरी होंगी work from home के लिए, जो कि उसको efficiently और effectively हम implement कर सकते हैं? are interested in CLET exam, you are interested in CLET, ठीक है। देखिए वर्क फ्रॉम होम आज भी है और आने वाले कल में भी होगा, क्योंकि इकोनॉमी पूरी तरह से चेंज हो गई है, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बदल रहा है। तो वर्क फ्रॉम होम से हमको जो जॉब ऑप्शन है वो भी बढ़ेंगे। और व्हेन वी टॉक फ्रॉम द CLET पॉइंट ऑफ व्यू, प्रिपरेशन ऑफ CLET, प्लेट की जैसे बात कही मैडम ने, तो
क्लेट की तैयारी के लिए हमको ये करना पड़ेगा कि यू हैव टू नो अबाउट द पैटर्न ऑफ द क्लेट एग्जामिनेशन. क्लेट एग्जाम क्या है? क्लेट एग्जाम में हमको देश में जो 21 लॉ यूनिवर्सिटीज है, देयर आर मेन 21 लॉ यूनिवर्सिटीज इन आवर कंट्री. तो ये जो 21 देश के अंदर लॉ यूनिवर्सिटी है, यदि आप वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो यू हैव टू क्लियर क्लेट एग्जामिनेशन. क्लेट एग्जामिनेशन के अंदर हमको जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न हमारे पास जनरल नॉलेज के होते हैं, वो रीजनिंग एप्टीट्यूड मैथ्स और इंग्लिश के प्रश्न होते हैं, और ये बहुत कठिन पैटर्न के प्रश्न नहीं होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज पेपर रीडिंग यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल नॉलेज. तो हमको ये है कि उसका पैटर्न देखें. लॉ में जन लॉ के अंदर जो होंगे बेसिक लॉ से संबंधित प्रश्न होंगे, और जो 11, 12 के अंदर जो स्टूडेंट लॉ ऑप्शन करते हैं एज ए एडिशनल सब्जेक्ट, तो उन किताबों में से उनमें से मैक्सिमम प्रश्न हमारे बन जाते हैं. तो लॉ के लिए हमको तैयारी जो करना पड़ेगी वो 11, 12 और लॉ के अंदर क्योंकि बेसिक मैथ्स भी क्वेश्चन में आते हैं. तो व्हेन यू आर हैविंग पीसीएम बैकग्राउंड और यू आर हैविंग कॉमर्स विद मैथ्स बैकग्राउंड, क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैथ्स विल बी वेरी इजी. ये एक ध्यान रखना है हमको कि क्लेट एग्जाम में जनरल नॉलेज, रीजनिंग एप्टीट्यूड और मैथ्स के प्रश्न जो डाटा आते हैं उनके लिए मैथ्स बैकग्राउंड का हमको लाभ मिलेगा. वो जनरल नॉलेज हमको 11, 12 से ही तैयार करना पड़ेगा. खास तौर से जो लॉ क्लेट एग्जाम में गए बाहर से जो परिवर्तन आया है, गए साल से बहुत बड़ा चेंज आया है कि उसमें जो बेसिक जीके के प्रश्न आते हैं, यू हैव टू बियर इन माइंड दिस पॉइंट, जो बेसिक जीके के प्रश्न आते थे उनकी जगह अब लेटेस्ट जनरल नॉलेज के प्रश्न ज्यादा आने लगे. ये कई साल से एक पैटर्न बनता है. तो यू हैव टू बियर इन माइंड दिस पॉइंट ऑल्सो. ओके जय जय सांवलिया. यस मैम, आई एम ऑडिबल? यस यस सर. आई एम गुड इवनिंग सर. आई एम करंटली पर्सुइंग लॉ एंड आर देयर एनी करियर ऑप्शंस अदर देन लिटिगेशन फील्ड, लाइक समथिंग अदर देन लिटिगेशन in law, like which are underrated but still efficient. यदि हम law field में career options देखें, तो law field में career options की कोई कमी नहीं है. Litigation को हम छोड़ दें, तो हमारे पास में यदि law है हमारे पास में, तो हमारा जो career option होंगे cyber law में बहुत तेजी से career option cyber law में. ये career option इसलिए बने हैं कि COVID-19 के बाद में जैसे जैसे इकोनॉमी डिजिटल होती गई है, बैंकिंग डिजिटल होती गई है, तो वहाँ साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं. तो यदि आप लॉ में जा रहे हैं, यदि आप क्लेट एग्जाम या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से लॉ में जा रहे हैं, और ये खास बात ध्यान रखें कि ये जो 5 years का लॉ है ना, पहले 3 साल का LLB होता था, अब जो 5 साल का LLB हो रहा है आफ्टर 12, इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ गया है. तो लिटिगेशन को हम छोड़ दें, तो हमारे पास में जो बहुत बढ़िया ऑप्शंस होंगे वो साइबर लॉ के अंदर होंगे. हमारे पास में जो ऑप्शंस होंगे लेबर लॉ में होंगे. हमारे पास में जो ऑप्शंस होंगे इंटरनेशनल लॉ में होंगे, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया ग्लोबल होती जा रही है वैसे वैसे इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, इंटरनेशनल जो लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो बढ़ती जा रही है. तो इंटरनेशनल लॉ में भी आपके बहुत अच्छे करियर बन सकते हैं. तो लिटिगेशन वाले को छोड़ दें, तो देयर आर मेनी करियर ऑप्शन इन द एंड यू कैन चूज वन ऑफ देम. आप उनमें से किसी को भी लें, और लॉ में 12 के बाद का जो 5 years का LLB है उसका इम्पोर्टेंस और बढ़ता है. ओके थैंक यू सर. थैंक यू सर. मनस्वी वर्मा. गुड इवनिंग सर. तो सर माय क्वेश्चन इज actually I'm interested in civil services examination. Can you please give me some basic information regarding how to start my preparations with the law field? It is a good question. If you are interested to become an IAS, if you are interested to become an IPS, if you are interested to become an IFS, यदि हम IAS, IPS, IPS बनना चाहते हैं और ऐसे जो सिविल सेवा के अन्य परीक्षा सर्विस हैं उनके लिए यू हैव टू फेस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. यू हैव टू बियर इन माइंड दैट इट इज द टॉप मोस्ट
examination in our country from central government point of view. सरकारी सेवाओं में जाने की देश की सबसे महत्वपूर्ण जिसकी सबसे प्रतिष्ठित जो परीक्षा है वो सिविल सर्विसेज एग्जाम है. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि हम 11, 12 से ही सिविल सर्विस का टारगेट करें, कहीं हमारे दिमाग कलेक्टर बनने की इच्छा हो, कहीं हमारे दिमाग के अंदर पुलिस सेवा की इच्छा हो, कहीं फॉरेन सेवा की इच्छा हो, और ये टारगेट बना ले सिविल सर्विस का कि हम 11, 12 से तैयारी शुरू कर देंगे, तो सिविल सर्विस इज नॉट ए टफ टास्क. सिविल सर्विस कोई कठिन लक्ष्य नहीं है. एंड यू हैव टू बियर इन माइंड बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. नंबर वन, देर आर थ्री स्टेप्स इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. यू कैन नोट डाउन, देर आर थ्री स्टेप्स इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड प्रीलिम्स, सेकंड स्टेप इज कॉल्ड मेंस, एंड थर्ड स्टेप इज कॉल्ड इंटरव्यू. ये तीन स्टेप, पहली है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी है मुख्य परीक्षा और तीसरी है इंटरव्यू. इन तीन स्टेप से निकल के हम सिविल सर्विस की तरफ आगे बढ़ जाते हैं. When we talk from the prelims examination, there are two types of papers in prelims examination. One is related to general knowledge and second is related to reasoning, aptitude and maths. Both papers are totally objective type. दो प्रश्न पत्र prelims में, एक general knowledge का और दूसरा प्रश्न पत्र है. वो प्रश्न पत्र है हमारे लिए रीजनिंग एप्टीट्यूड और मैथ. आप ये भी देखें कि इन दोनों में से जो सेकंड पेपर है रीजनिंग एप्टीट्यूड और मैथ का, जिसे एप्टीट्यूड का पेपर कहते हैं, द नेम ऑफ द पेपर इज एप्टीट्यूड, पेपर ऑफ एप्टीट्यूड, वो क्वालिफाइंग होता है, तो मार्क्स नहीं ढूंढते. तो प्रीलिम्स में जो टोटली वेटेज होता है दैट इज ऑन जनरल नॉलेज, वो जनरल नॉलेज पे होता है. तो आपको 11, 12 से जनरल नॉलेज की अच्छी तैयारी करना चाहिए. जनरल नॉलेज की कैसे तैयारी करें, हमारे जो 11, 12 में बुक्स हैं, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक्स हों, चाहे वो एमपी बोर्ड की बुक्स हों, आप उनको बहुत अच्छी तरह से तैयार करें, क्योंकि ये बुक्स बहुत आधार बन जाएंगे जनरल नॉलेज के प्रश्नों के लिए. ये प्रश्न जो होंगे इतिहास से संबंधित, क्वेश्चन रिलेटेड टू हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बहुत अधिक संख्या के अंदर पूछे जाते हैं. तो आप ये करें, सिविल सर्विस का टारगेट है तो जनरल नॉलेज अपडेट करें, न्यूज़पेपर रीडिंग करें, मैगजीन देखें, प्रतियोगिता निर्देशिका, प्रतियोगिता दर्पण, कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, ये बहुत अच्छे रेफरेंस हैं, उनसे आप इनकी तैयारी करें. जनरल नॉलेज यदि आपका अच्छा होता तो हम बहुत अच्छी तरह से इन परीक्षाओं में निकल सकते हैं. तो पहले प्रीलिम्स होगी, प्रीलिम्स यदि आप सक्सेस करते हैं तो फिर हमारे सामने मेंस एग्जाम होगी. देयर इज ए बिग डिफरेंस between prelims examination and mains examination. Prelims is based on objective type pattern and mains exam is based on descriptive type pattern. ये बहुत बड़ा अंतर है. Prelims के marks आपके weightage वाले marks नहीं होंगे, qualifying होंगे. Mains में पूरे descriptive type question होंगे. ये question आपको history से, economics से, geography से, politics से, reasoning से, इनसे संबंधित होंगे. तो मेंस डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू के मार्क्स, इन दोनों को जोड़ के मेंस के मार्क्स इंटरव्यू से आपकी मेरिटिस बनेंगी. यदि आपके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे तो हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन होगा आईएएस का होगा, तो कम मार्क्स में हमको आईपीएस और उसके बाद में आईएफएस. और ये प्रायोरिटी भी होती है, कोई बहुत अच्छे मार्क्स होने पर आईपीएस भी बनना चाहता है, कोई आईएफएस भी जाना चाहता है. तो इट इज अप टू यू, बट इट इज नॉट ए टफ एट ऑल. मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 11, 12 से तैयारी करने लगे, वे किसी कोचिंग में भी नहीं गए, उनने बहुत अच्छे रेफरेंस से तैयारी शुरू की और उन्हें बहुत अच्छी सफलताएं मिली. तो आप भी अभी से तैयारी करें, इट इज नॉट ए टफ टास्क. ओके, थैंक यू सर. बच्चों, मीटिंग छोड़ने से पहले एक फॉर्म है, चैट बॉक्स पे एक लिंक है, वो फॉर्म जरूर भरिए ताकि आपको आपके प्रश्नों के जवाब हम उसके माध्यम से दे पाए. नेक्स्ट, सेजल जैन. Yes, ma'am. Good evening, sir. My name is Sejal Jain and I am a third year law student. My question in doubt is, I wanted to pursue MBA in law after my graduation
And as there are few colleges in India which recognize this course, so I wanted to pursue it from abroad. What is your guidance regarding this? यदि हम ला को एमबीए से जोड़ देंगे तो इसका वेटेज हमारा और बढ़ जाएगा. लेकिन जो सबसे खास बात यह है कि जब भी आप ग्रेजुएशन कर रही हैं तो हमको जो बहुत अच्छे रेफरेंस होते हैं ला से रिलेटेड जो जर्नल्स होते हैं उनकी तरफ भी आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान दें तो उनका हमको जो फायदा है वो फायदा हमको एलएलबी के अंदर भी मिलेगा. और इसके बाद में हम जो फ्यूचर प्लान कर रहे हैं तो वो एमबीए और ला का फ्यूचर प्लान भी हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा और COVID-19 के बाद में इस तरह के कैरियर की यूटिलिटी भी बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. शुभी प्राची सिसोदिया यस मैम गुड आफ्टरनून मैम यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बेटा. सर मैं 12th में हूँ. आई मीन मैं फैमिली बिलोंग नहीं करती कि मैं कोचिंग कर पाऊँ तो मुझे बिना कोचिंग में डॉक्टर की पढ़ाई करनी है तो प्लीज मुझे मैं क्या करूँ. मैं सबसे पहले तो ये बता दूँ कि जो रिसर्च है मेडिकल साइंस से संबंधित मेडिकल कॉलेजों में जाने वाली स्टूडेंट की जो रिसर्च है उस रिसर्च के अकॉर्डिंग टू डेट रिसर्च 60% स्टूडेंट्स गेटिंग सिलेक्शन विदाउट कोचिंग इन नीट एग्जाम इन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम. यहाँ से आप बात ध्यान रखें करीब 60% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिना किसी कोचिंग के नीट एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं और बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर. पहली बात. दूसरी बात हाउ टू सिलेक्ट इन नीट एग्जामिनेशन विदाउट कोचिंग. अब ये तो मैंने आपको रेफरेंस बताया लेकिन अब कैसे सिलेक्ट हो आप ध्यान रखें ऑन द बेसिस ऑफ वेरी गुड रेफरेंस. बहुत अच्छे रेफरेंस होना चाहिए. एक बात 11th 12th में आपका जो सिलेबस है सिलेबस इन 11th एंड सिलेबस इन 12th लगभग यही सिलेबस आपका नीट में करेगा आइदर एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड. ठीक है 11th 12th का सिलेबस हमारा जो रहेगा वही सिलेबस हमारा नीट में बनेगा. बट देयर इज अ बिग डिफरेंस इन 11th 12th यू आर हैविंग different pattern of examination, descriptive examination. But in NEET examination, you are having a pattern of objective type. एक बात. तो 11, 12 में आप बहुत मेहनत करें, बहुत तैयारी करें, ये तैयारी कर पाएगी. दूसरी बात, बाजार में बहुत अच्छे reference मिलते हैं. बाजार में बहुत अच्छे reference मिलते हैं. आप कुछ भी reference याद करें, तीन किताबों के नाम मैं आपको बताता हूँ. And you have to remember the name of the book. एक आते हैं अरियंत पब्लिकेशन इसकी तीन बुक्स आती हैं नीट एग्जाम के लिए. एक आती है बायोलॉजी की, एक आती है फिजिक्स की, एक आती है केमिस्ट्री की. ये जो इनके रेफरेंस बुक आती हैं इन रेफरेंस बुक से आप पूरी तरह से तैयारी कर सकती हैं. बस आपको मेहनत करनी है. डिवोट यूर सेल्फ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट एग्जाम एंड ऑन द बेसिस ऑफ गुड रेफरेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर डिवोशन you will be clear in that examination. Kuch bhi tough nahi hoga. No need to join any coaching class. Without coaching, you can select in NEET exam. But devotion is required. Good references are required. Okay? Okay, sir. Thank you. Sir, aur ek question aur hai ki aap mujhe college wagera bata sakte hai ki medical ke liye kaun sa best rahega? Ye bhi achha question hai aapka. Yadi aapko नीट एग्जाम के बाद में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनना है तो
अभी आपको कॉलेजों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, कॉलेजों के नाम हम याद भी रख लेंगे तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। नीट एग्जाम में आपकी जो मेरिट होगी, आपकी जो मेरिट होगी उसके आधार पे आपको कॉलेज मिलेगा। तो अभी आप कॉलेजों के नाम याद मत रखिए, कॉलेजों के नाम के बारे में सोचे भी मत। अभी तो आप ये करें कि मुझे नीट एग्जाम है और नीट एग्जाम और नीट में मेरे को पहले 100 में आना है, पहले 200 में आना है, देन यू आर गेटिंग योर नंबर इन फर्स्ट 100 एंड 200, डेफिनेटली यू विल गेट गुड कॉलेज इन अवर कंट्री। तो कॉलेजों के नाम याद मत करें, ना ध्यान रखें, आप ये करें कि नीट एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आप लेके आए, बस उसके बाद में हमारा अच्छा से अच्छा कॉलेज और अच्छा से अच्छा करियर बनना शुरू। ओके सर, थैंक यू। सरिता, यू कैन आस्क। एक्सक्यूज मी मैम, एक मिनट बेटा। सेकेंड ईयर and I want to become a event manager and hotel manager. तो इसमें जैसे कि कुछ specific exams देनी पड़ती है या फिर किसी ऐसे group को join करना चाहिए जो ये काम मतलब करते हैं, जैसे hotel management का, event manager का, या फिर कोई इसके लिए specific course होता है, तो which is the best option in this field? बढ़िया question है। In which year you are studying? किस class में पढ़ रही हैं अभी आप? BA, BCom, CA second year. दो बातें हैं, करियर इन बैंक, करियर इन होटल मैनेजमेंट एंड करियर इन टूरिज्म। ये तीन बहुत बढ़िया है, जो आपका इंटरेस्ट आपने बताया है उसके हिसाब से और जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। आप बैंक मैनेजर के लिए बहुत अच्छे प्लान कर सकते हैं। पहले हमको बैंक पीओ बनना पड़ेगा। हमारे देश में बैंक पीओ के लिए तीन तरह के एग्जाम थे। वन एग्जाम इज फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक की एक एग्जाम होती है, उससे पीओ बनते हैं। दूसरी एग्जाम जो होती है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप की होती है, उससे भी हम पीओ बन सकते हैं। और तीसरी जो एग्जाम होती है वो नेशनलाइज बैंक ग्रुप की होती है। तो ये तीनों एग्जाम लगभग जैसे पैटर्न की होती हैं, इसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथ्स और इंग्लिश के प्रश्न आते हैं। तो एक आप उनकी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, एक ऑप्शन वो को आपके पास में। दूसरा होटल मैनेजमेंट का बहुत अच्छा करियर है, ये ग्रेजुएशन के बाद में आप जा सकती हैं। इसके शॉर्ट टर्म कोर्स भी होते हैं, इसके सर्टिफिकेट कोर्स भी है, डिप्लोमा कोर्स भी होते हैं, और इसके हम चाहें तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होता है, तो ये भी आप ग्रेजुएशन के बाद में आप काम कर सकती हैं। तो तीसरा जो आपके बैकग्राउंड से है, आपके इंटरेस्ट से, वो करियर इन टूरिज्म एंड ट्रेवल। बहुत तेजी से ट्रेवल एंड टूरिज्म अभी कोविड 19 के बाद में बढ़ेगा। अभी जो सर्वे आ रहे हैं कि इस समय हमारे देश के अंदर जो ट्रेवल एंड टूरिज्म की इकोनॉमी है वो है 230 अरब डॉलर की है, और ये 2025 में 5 अरब डॉलर की हो जाएगी। इतना बड़ा इसके अंदर बहुत बड़ा जंप होना है। तो ये भी आप ट्रेवल एंड टूरिज्म को कैरियर के रूप में भी आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद में कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं ट्रेवल टूरिज्म का, डिप्लोमा कोर्स कर सकती हैं, और ये अभी भी अब जब आप रेगुलर डिग्री कर रही हैं तब भी आप याद रखें इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से टूरिज्म का डिप्लोमा कोर्स भी हम कर सकते हैं। तो एक रेगुलर डिग्री आपके पास में हो जो आप कर रही हैं, और दूसरा आपके पास में एक डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्री, ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री या डिप्लोमा आप ले सकती हैं, और इन तीनों में से कोई भी बढ़िया करियर आप बना सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। मुस्कान जैन, सौरभ दीक्षित, राजी मंगल, गुड इवनिंग सर। आई एम अ मदर ऑफ 3 year old एंड आई हैव डन एमबीए एंड आफ्टर दैट आई हैव डन एचआर जॉब इन आईटी इंडस्ट्री।
But now due to small daughter, I want to pursue my career, actually restart my career in education industry. So how can I do that? आप ये करें कि एजुकेशन इंडस्ट्री में आपको आना है तो हम डिजिटल इकोनॉमी का कोई भी करियर वर्क फ्रॉम होम की तरह आ सकती है। नंबर एक, एजुकेशन से रिलेटेड भी कई तरह के जॉब हैं, टीचिंग है, ये भी हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। और उसके बाद में जैसे ही ये COVID-19 की दिक्कतें खत्म हो, आप एजुकेशन इंडस्ट्री में आना है, एजुकेशन में करियर बनाना है, तो स्कूल एजुकेशन में आने के लिए आपको BEd करना पड़ेगा। कॉलेजिएट एजुकेशन में आना है तो कॉलेजिएट एजुकेशन में आने के लिए आपको एक एग्जाम देना होगी, दैट इज कॉल्ड नीट एग्जाम। तो नीट एग्जाम के बाद में आपको किसी भी कॉलेज के अंदर जॉब मिल जाएगा। और एक बार जब आप कॉलेज में आ जाए या कॉलेज में नहीं आए तो अभी भी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में आप यदि कॉलेज एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो PhD करें, तो PhD का भी हमको वेटेज है। तो तय करें, डिसाइड यूरसेल्फ, यू आर इंटरेस्टेड इन स्कूल एजुकेशन, देन BEd विल बी रिक्वायर्ड। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, देन नीट एग्जामिनेशन एंड PhD इज रिक्वायर्ड। एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड इन स्कूल एजुकेशन, then two things you have to remember. One, if you are interested in primary education, primary teaching, then DEd degree will be required. Will you remember? In middle education teaching and higher secondary school teaching, then BEd degree will be required. So on the basis of either DEd or BEd, you will get good job in education, school education. Okay? Okay, sir. So, which is most important thing, should we have a degree from autonomous college or DAVV affiliated college? Which college? Autonomous. When you get autonomous college or when you get any recognized college by DAVV, there will be no problem either from autonomous college or from the university recognized college. जो कॉलेजों को जो मान्यता देते हैं, उस इंस्टीट्यूशन का नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नई दिल्ली। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नई दिल्ली ऑटोनॉमस कॉलेज के लिए भी रिकॉग्निशन देता है, और जो यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड है उनके लिए भी उनका रिकॉग्निशन होता है। ऑटोनॉमस कॉलेज वो कहते हैं जो अपने खुद के संसाधन जुटा लेते हैं, ऑटोनॉमस कॉलेज। तो कहीं से भी हो, आइदर फ्रॉम ऑटोनॉमस कॉलेज और फ्रॉम DAVV रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, इट इज अप टू यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। Mayank, you can ask question now. Good evening, sir. I am audible. Yes, yes. Sir, हम जैसे कि मैंने 11th में PCM लिया है, तो उसके लिए सिर्फ क्या JEE और IIT करना जरूरी कि और कुछ courses हम कर सकते हैं जिससे हमारा career और opportunity बढ़ जाए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि आप PCM के student हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो JEE मेंस की तैयारी करें, नंबर एक। नंबर दो, यदि इंजीनियरिंग में नहीं जाना चाहते हैं, कोई दूसरा करियर ऑप्शन है आपके पास में, तो आपको JEE मेंस की प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि 12 के बाद में कोई भी करियर ऑप्शन, जैसे आप PCM के बाद में आपको लगा कि नहीं, 12 के बाद में अब हमको हमारा डिसिप्लिन बदलना है, तो आप कॉमर्स की तरफ जा सकते हैं, आप CA बन सकते हैं, CS बन सकते हैं, ICW बन सकते हैं। 12 के बाद आपको लगा कि नहीं, हमको साइंस नहीं रखना है, आप मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। 12 के बाद आपको लगा कि साइंस नहीं रखना है, तो आप जितने ह्यूमैनिटीज के कोर्स होते हैं, करियर इन इकोनॉमिक, करियर इन हिस्ट्री, आप उनकी तरफ भी जा सकते हैं। और 12 के बाद आपको लगा कि नहीं, हमको
कुछ ऐसा के कोर्स लें कि जो ही जेई नहीं दी हमने तो भी हमको बहुत अच्छा साइंस से संबंधित करियर मिले, तो आप बहुत अच्छे तरह ध्यान रखें। आप बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, देयर इज अ बिग डिमांड ऑफ बीएससी कंप्यूटर साइंस। आप बीसीए कर सकते हैं, टुडे देयर इज अ बिग डिमांड ऑफ बीसीए। आप इंटीग्रेटेड एमसीए कर सकते हैं, तो जेई मेंस की तरफ आप नहीं जा रहे हैं तो डोंट बादर फ्रॉम द जेई मेंस, ये दूसरे ऑप्शन में बता रहा हूँ। और यदि मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस की तरफ जाएंगे 12th के बाद में, तो आपके लिए करियर की कोई कमी नहीं होगी। इट इज अ टाइम ऑफ कंप्यूटर साइंस, इट इज अ टाइम ऑफ आईटी। पूरी दुनिया में भारत की आईटी इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और आज पूरी दुनिया में भारत की आईटी इंडस्ट्री नंबर वन है। तो आप 12th के बाद में जेई नहीं दिए तो भी कंप्यूटर आईटी की तरफ का करियर आप प्लान कर सकते। यस सर, थैंक यू सो मच सर। मानसी श्रीवास्तव। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सर मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, आई एम अ थर्ड ईयर लॉ स्टूडेंट फ्रॉम प्रेस्टीज इटसेल्फ। मैं इंदौर में अभी पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं अभी अपने होम टाउन में हूँ। सर लॉ के फील्ड में जनरली ये सुना जाता है कि कोर्ट्स में काफी सारे जो केसेस हैं वो अभी तक पेंडिंग है और कुछ कुछ फाइल्स जो है वो कई सालों तक नहीं खुलती है, जिसको रिजोल्व करने के लिए लोगों ने मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और कॉर्पोरेट जैसी चीजें निकाली हैं। लेकिन एमपी के स्टूडेंट्स के साथ या फिर इंदौर के स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम, मेरे जैसे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये हो सकती है क्योंकि यहाँ पर इतना कॉर्पोरेट का आर्बिट्रेशन का माहौल नहीं है जितना कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या ऐसी जगह पर है। और मैं बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, मैं ट्रेडिशनली जो हमारी जो फील्ड्स है जैसे लिटिगेशन या जुडिशरी और बाकी सारी जो चीजें हैं, टीचिंग है, उसके अलावा अगर मैं उसमें करियर परस्यू करना चाहूँ तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? हेलो, बहुत अच्छा प्रश्न। आप इस समय जब लॉकडाउन में और हमारे रेगुलर कॉलेज नहीं लग रहे हैं तो आप दो बातें करें। एक तो ये कि जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनको बहुत अच्छी तरह से अटेंड करें। नंबर दो, लॉ से संबंधित जो जर्नल्स होते हैं वो सब ऑनलाइन होते हैं। लॉ से संबंधित जर्नल्स हैं वे सब ऑनलाइन, तो लॉ जर्नल्स की आप बहुत अच्छी तैयारी करें क्योंकि ये जो रेफरेंस होंगे जर्नल्स में जो रेफरेंस मिलेंगे आपको उनसे आपकी बहुत मदद हो जाएगी। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ला लिया था, तो ला जर्नल्स को पढ़ के वो बहुत तेजी से आगे बढ़े। तीसरी बात, आप ये मत सोचें कि हम इंदौर में हैं और कोलकाता, चेन्नई, मुंबई ये स्टूडेंट बहुत आगे होते होंगे और इनको बहुत ज़्यादा मौके मिलते होंगे। आप बिल्कुल मत सोचें, आप ये करें कि आप अपना LLB बहुत अच्छी तरह से पूरा करें और LLB के बाद में जब इंटर्नशिप का मौका आए तो आप इंटर्नशिप किसी भी बड़े शहर के अंदर, है ना, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो चेन्नई हो, कोलकाता हो, दिल्ली हो, कहीं भी बहुत बढ़िया लायर के साथ जिस लाइन में आप जाना चाहती हैं उस लायर के साथ में इंटर्नशिप के लिए आप जाएं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं अपने इंदौर के कॉलेज होते हैं वो इसी तरीके से बहुत आगे बढ़ गए। BA LLB की डिग्री उन्होंने ली, BCom LLB की डिग्री ली और इंटर्नशिप उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कर ली और 6 महीने की इंटर्नशिप में उन्होंने जो सीखा, उन्होंने जो संपर्क बनाया, तो आज वो देश में नहीं वो पूरी दुनिया के अंदर बहुत अच्छे लायर के रूप में बहुत फेमस हो रहे हैं और उनको प्रतिष्ठा भी है और उनकी कमाई भी बहुत है। तो ये मत सोचे आप कि हम इंदौर में हैं, हमारे पास एक इंटर्नशिप का बहुत अच्छा मौका आएगा। हेलो, इंटर्नशिप के पहले आप कोशिश करें कि ऑनलाइन हमको जो बहुत अच्छे रेफरेंस मिलते जाएं उनको एक ताकत बना लें आप। ये जमाना तो अब ऑनलाइन का है, तो ऑनलाइन जितने रेफरेंस आप जुटा लेंगे यू विल विन द रेस एंड डेफिनेटली यू विल विन विल रेस। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस। 2 मिनट रुक कर हम, हेलो जी सब, आयशा आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए बेटा, आपने क्वेश्चन पूछ लिया है ना, अब आप म्यूट कर लीजिए, ठीक है? सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए क्या, एक सेकंड के लिए। मैम, यस मैम, आयशा रुकिए, आप रुकिए बेटा, रुकिए, सब लोग अपना वीडियो ऑन करिए एक सेकंड के लिए, सर भी थोड़ा सा ब्रेक ले लें, काफी देर से बोल रहे हैं।
जी सब लोग वीडियो ऑन करें एक ग्रुप पिक के लिए. जल्दी करिए तो हम ज्यादा से ज्यादा समय क्वेश्चन आंसर्स पे देंगे. प्राची, जय, नाइशा, अनुष्का, थैंक यू. अनुष्का, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन नाउ. Hello, am I audible? Yes, now. Yes, ma'am. Ma'am, I need to ask to sir that, sir, main class 12th ki student hu and PCM pursue kar rahi hu right now. And sir, mujhe art aur handwork mein bahut interest hai. Starting se from childhood itself, art aur handwork karti aayi hu. So what are the career options for me? Ki, like, padhai mein bhi interest hai and art mein bhi interest hai. So what all career options I can apply for? First, let me know your interest. What interest you are having? What interest you have? Sir, art or handwork mein interest hai. So, isme aapne kya reference dekhe hain? Kya? First, sir, maine yes sir. Sir, maine architecture course jo hota hai, jo JE paper के थ्रू होता है, जे सेकंड पेपर सर वो देखा था करियर ऑप्शन, बट उसके अलावा आर देयर एनी अदर ऑप्शंस लाइक बी आर्किटेक्चर इज वन ऑफ देम, अपार्ट फ्रॉम देम कोई और ऑप्शंस? व्हिच ईयर यू आर स्टडीिंग, इन व्हिच क्लास यू आर स्टडीिंग? क्लास 12th, राइट नाउ इन क्लास 12th. डेफिनेटली आर्किटेक्चर इज अ गुड करियर ऑप्शन. एक तो जेई मेंस का सेकंड पेपर लेके आप जा सकते हैं, और दूसरा यू हैव टू रिमेम्बर वन अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज नाटा. एक एग्जाम और होती है वो नाटा है. नाटा के माध्यम से भी देश के जो बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेज हैं वहाँ पे हमको बहुत अच्छा एडमिशन मिल जाता है. तो एक अच्छी डिग्री, बी आर की डिग्री आपके पास में हो, और उसके साथ में आपके पास में आर्किटेक्चर में करियर की स्किल्स होना चाहिए, स्केचिंग हमारे बहुत अच्छे होना चाहिए, और इनसे इस लाइन से संबंधित आर्किटेक्चर करियर से संबंधित जो रेफरेंस होते हैं वो अभी से आप पढ़ना शुरू करें. इनकी जो मैगजीन्स आती हैं उनको आप अभी से देखना शुरू करें, तो ये जो प्रैक्टिकल रेफरेंस होंगे इससे भी हमको मौका मिलेगा. तो 12th में आप जेईई मेंस की तैयारी अच्छी करें, सेकंड पेपर की तो बहुत अच्छी आपको तैयारी करना है, और दूसरा ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ आपको, यू हैव टू रिमेम्बर द नेम ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज नाटा. तो इन दोनों में से हमको जो बढ़िया एडमिशन मिले आप जाएं और बहुत हार्ड वर्किंग करें. कोविड-19 के बाद में, खास तौर से कोविड-19 हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आर्किटेक्चर का करियर भी बहुत तेजी से बढ़ेगा, बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने वाली है, और जो मकानों के, जो ऑफिस के, जो जिस तरह से पहले के ऑफिस थे कोविड-19 के बाद में जो उनका स्ट्रक्चर होगा वो भी बदलेगा. तो निश्चित रूप से इट इज ए करियर इन डिमांड, आप उसके बारे में प्लान करें, 12th की तैयारी करें, और इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम में से हमको निकलें, और जो बेस्ट ऑप्शन हो उसको आप फिर लेते. ओके ओके. एंड सर, इसमें कोई गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शंस होते हैं क्या आर्किटेक्चर के थ्रू? गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब करते हैं और वो हमको मिल सकेंगे, तो वो भी ऑप्शन हमारे पास में रहेगा. बट व्हेन वी टॉक फ्रॉम द जॉब पॉइंट ऑफ व्यू, देयर आर वेरी लिमिटेड जॉब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर व्हेन यू आर हैविंग अ डिग्री ऑफ आर्किटेक्चर. बट इन प्राइवेट सेक्टर देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो लिमिटेशन फॉर जॉब्स. So you have to remember this point also, limited career options in government, but unlimited career options in private. Okay, sir. Okay. Thank you so much, sir. Anvi Chopra. Anvi. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Sir, right now, मैं अभी 12th class में हूँ. मैंने PCM subject लिया है.
बट ये पेंडेमिक और इन सब के कारण मेरा पूरा 12th पेंडेमिक में चला गया. सो मैं पढ़ाई पे ना ढंग से फोकस कर पा रही हूँ, ना ढंग से पढ़ पा रही हूँ. सो अभी गवर्नमेंट भी बोर्ड्स की डेट्स बता नहीं पा रही है. तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं कोई अच्छी ब्रांच लेके कोई सा भी कॉलेज ले लूं इंजीनियरिंग के लिए, या फिर कोई सी अच्छे कॉलेज के लिए मैं कोई सा भी ब्रांच ले लूं. बातें हैं, डोंट बदर फ्रॉम पेंडेमिक. पेंडेमिक का तनाव आप मत रखिए, अपना बढ़िया करियर का प्लान बनाओ एंड डिवोट योरसेल्फ फॉर दैट प्लान. परीक्षा की तारीखें नई हैं, ये सभी की चिंता है, आपकी भी चिंता है. मगर हमको जितने भी दिन बचे हैं, ये हमें ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में ये परीक्षाएं हों. अब ये कोई परीक्षा हमको जनरल प्रमोशन नहीं होगा, इट इज 100% जनरल प्रमोशन. परीक्षा होगी और जो परीक्षा होगी ये भी हमारी रिटर्न बेसिस की परीक्षा होगी, ओरल परीक्षा नहीं होगी. तो ऐसे में आप मान के चलें कि हमारे पास में 2 महीने का समय है, आप 2 महीने में फिर से प्लान आउट कर लीजिए बिना तनाव के. तो 2 महीने है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन. इतना इसके बीच में जितना भी समय हो उसका एक टाइम मैनेजमेंट करें और तैयारी करें. दूसरी बात, कॉलेज कौन सा होगा. यदि जेई मेन से हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो हमको देश के बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे. इनमें हमारे पास में IIT नहीं मिल रहे हैं, IIT के बाद वाले जो कॉलेजेस हैं हमारे पास में वो हमारे पास में होंगे. यदि वो भी नहीं मिल रहे हैं तो हमारे पास में इंदौर के अच्छे कॉलेजेस होंगे. पर ये सब जेई मेन्स के मार्क्स के ऊपर होगा. आप यदि जेई मेन्स में अच्छे मार्क्स लाते हैं, बहुत बढ़िया कॉलेज यदि हमको इंदौर के बाहर से मिलते हैं तो हम प्लान आउट कर सकते हैं. यदि बाहर नहीं मिल रहे हैं हमको तो ऐसे में हम इंदौर के भी किसी अच्छे कॉलेज के अंदर अच्छी ब्रांच में. यू हैव टू रिमेम्बर गुड कॉलेज इन इंदौर एंड गुड ब्रांच इन इंदौर. अब व्हेन वी टॉक फ्रॉम द व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रांच पॉइंट व्यू, यू हैव टू रिमेम्बर टू ब्रांच ओनली. वन इज कंप्यूटर साइंस, सेकंड इज IT. ये COVID-19 के बाद में दोनों ब्रांच बहुत तेजी से आगे बढ़ी हैं, पहले भी बढ़ी हुई थी अब और हैं. तो आप यदि इंदौर में भी रहती हैं और इंदौर के अच्छे कॉलेज से कंप्यूटर IT के अंदर ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो वो भी हमारा करियर बनते हैं. इसके बाद फिर मौका मिलेगा, फिर मौका मिलेगा हमारे पास में. हम ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हम फिर से एंट्रेंस एग्जाम दे पाएंगे. गेट एग्जाम से भी हम फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बहुत अच्छे कॉलेज को चुन पाएंगे. तो अभी तो आप 12th की फिक्र करें, 2 महीने की बहुत मेहनत करें और इनके साथ में जेई मेंस में भी अपना जितना समय दे दें. तो ये एक बैलेंस प्रिपरेशन आप करने दीजिए और हमको कॉलेज के साथ साथ ब्रांच का भी ध्यान में रखना है. ब्रांच कंप्यूटर IT इन दोनों में से जो भी होगी हम बहुत अच्छा करियर बना लेंगे. ओके किरण पटेल. एक्सक्यूज मैम एक्चुअली सर, इंदौर में आप मेरे को कॉलेजेस बता सकते हैं इन दो फील्ड्स के लिए. अच्छा, फ्रॉम द क्वालिटी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्हेन वी टॉक फ्रॉम द टू पॉइंट ऑफ व्यू, नंबर 1 क्वालिटी एजुकेशन, नंबर 2 प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ यू हैव टू रिमेम्बर. नंबर 1 क्वालिटी एजुकेशन एंड यू हैव टू रिमेम्बर प्लेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड ऑन द basis of placement point of view, in Indore, we are having very good colleges. Number 1, GSITS, you can note down. Yes. Number 2, IETDAVP. Number 3, Acropolis College of Engineering, Acropolis Institute of Engineering. It is number 3. Number 4 and number 5, Vishnu Institute and number 4 Medicare. These are the best colleges in Indore from the engineering education, GSITS, DAVIT, Acropolis, Medicare, and which you can choose 1 out of 5. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Kiran, you can ask. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Sir, I want to become IAS officer.
I decided after 12th I take in college LLB. It is confirmed, and but I confused in 11th what should subject take for this field and what good for this. मतलब क्या benefits मुझे मिल सकते हैं subject से इस field में? Are interested to become an IAS? Yes, sir. In 11th, yes, you can ask for either PCM or commerce or humanities. Yes, humanities with mess. Yes, should be your additional subject. Because in civil service examination, when we see the pattern, paper is related to general knowledge, and second paper is related to reasoning aptitude at mass. That paper is called paper of aptitude. So if you are having mass background, then definitely it will be useful. Number one. Number two, in 11-12, you have to devote yourself for the preparation of general knowledge. Because in civil service examination, in prelims and mains, there is a big weightage of general knowledge. So, ये आप ध्यान रखें कि civil service में जाना है तो 11, 12th में जो भी subject में, when you are having mains as a additional subject, then it will be very much useful. आपको 11, 12th में, when you are having CBSC board or MP board, books related to history, related to economics, geography, Constitution of India, this will be very useful. So, ye abhi se shuru se aap background banaye. Try to read English newspaper also. Try to read column in newspapers. Try to read magazines related to general knowledge. These are Pratiyogita Darpan, Pratiyogita Nirdeshan, Competition Success, Competition Master. You can choose one magazine in Hindi and you can choose one magazine in English. On the basis of this preparation, definitely civil services exam will not be a topic. Okay. Yes, sir. Thank you so much. Antanu. Yes, ma'am. You can ask question you want to ask. Yes, ma'am. Please. Hello, sir. Good evening. I am Shantanu Taide. मुझे drawing बहुत पसंद है. तो मुझे अपने करियर के लिए भविष्य में क्या करना चाहिए? क्या क्या पसंद है आपको? ड्राइंग. ड्राइंग पसंद है आपको? ठीक है, करना. यदि आपकी बहुत अच्छी ड्राइंग्स हैं आपकी, तो ड्राइंग्स हैं तो इसको हमको करियर में बदलना है. तो करियर इन आर्किटेक्चर, करियर इन आर्किटेक्ट, दैट विल बी ए वेरी गुड करियर. अभी से in which class you are studying? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? Eighth. Tenth में. Tenth. So after 10th, you have to opt for PCM group. Do you remember? After 10th, you have to opt for PCM group. And when you will be in 11th and 12th, you have to devote yourself for the preparation of JEE Mains examination. JEE Mains की आप बहुत अच्छी तैयारी करें 11, 12 के साथ में, और उसके बाद में JEE Mains से हमको ये एक जो सेकंड पेपर होगा उसमें आर्किटेक्चर का, उससे हम उस लाइन में जा सकेंगे. आइदर यू कैन रिमेम्बर द मोर एग्जामिनेशन दैट इज नाटा. ऑन द बेसिस ऑफ नाटा स्कोर यू कैन गेट दिस करियर ऑल्सो. इन दोनों में से कुछ भी हो, आपको ये जो आपकी हॉबी है इसको डेवलप कर लें आप, और बहुत अच्छी तरह से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें और अच्छा करियर बनाएं. वेदिका. थैंक यू सर. मैम वन मोर क्वेश्चन. बेटा लेट अदर्स आल्सो आस्क, अदरवाइज दे वोंट गेट चांस. रूपल. भूमि श्रीवास. यस मैम. हाँ पूछ लीजिए आपका क्वेश्चन बेटा. गुड इवनिंग सर. सो आई वांट टू बी IPS officer. So what do I have to do and what subjects should be I take
If you are interested, an IPS officer. Good question. If you are interested to become an IPS officer, you have to face UPSC examination. You have to remember this name, UPSC examination. In UPSC examination, there are three steps. First step is called prelims examination, second is called mains examination, and third step is called interview. Prelims is totally based on objective type pattern, mains is totally based on descriptive type pattern, and after passing in mains examination, interview is there, and on the basis of mains examination marks and on the basis of interview marks, you will clear this examination and IPS is not it, of course. आप तैयारी करें IPS बनने के लिए पुलिस सेवा बहुत अच्छी सेवा है प्रतिष्ठा भी है सम्मान भी है पैसा भी है सब कुछ है सिविल सेवा से जो सीधे बनते हैं वो IPS की पोस्ट का पोस्ट वेटेज होता है यदि आप UPSC के माध्यम से IPS नहीं बन पा रहे हैं तो MPPS से भी आप सिविल परीक्षा जो MPPSC की है दैट इज MPPSC उससे भी आप यदि DSP की पोस्ट पे जाती हैं तो बाद में आप IPS के रूप में प्रमोट हो सकते हैं ये दोनों ऑप्शन है UPSC 1 out of 10 इन दोनों में से आप किसी को भी चुनें और बहुत अच्छा करियर आपका बन पाए यस सर थैंक यू रूपल वेदिका डू यू हैव एनी क्वेश्चन यस मैम गुड इवनिंग सर Ma'am, am I audible? Yes. Please, go ahead. Good evening, sir. Sir, I want to go in defense, but there is a medical problem with me. कि मुझे specs लग गए. तो sir, there is no way कि अगर मेरा specs हट जाए through operation or any other way, so I can join defense. Defense में आपको जाना है और कोई भी medical problem हम अभी से समझ रहे हैं, तो आप हम कितनी भी मेहनत कर लें. डिफेंस के जो रूल्स हैं डिफेंस के जो नॉर्म्स हैं वो फुलफिल नहीं होंगे तो डोंट बदर फ्रॉम द डिफेंस सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू आप सेकंड ऑप्शन रखें क्योंकि डिफेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज डिफेंस सर्विस में नहीं होता है तो फॉरगेट डिफेंस सर्विस फाइंड आउट अदर ऑप्शन एंड आई थिंक PCM ग्रुप विल बी बेटर ऑन द बेसिस ऑफ PCM ग्रुप यू विल गेट मेनी करियर ऑप्शन ओके यस सर Thank Rupal. You. Hello, sir. Hello, ma'am. Yeah. Sir, I want to ask the question, like, I have done architecture and now I just, I'm not doing anything in that field and I want to pursue my career in UX in UI designing. So what should I do to do that? Should I take some degree of graduation in that? Web designing. Yes, sir. Definitely after COVID-19 there is a big scope for web designing COVID-19 के बीच में जो करियर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उसमें से वेब डिजाइनिंग भी है हमारे देश में जितना भी IT सेक्टर है देश का जितना भी कंप्यूटर सेक्टर है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और कंप्यूटर और IT सेक्टर के अंदर वेब डिजाइनर्स की बहुत तेजी से डिमांड बढ़ती जा रही तो ये आपका प्लस पॉइंट है कि आप आर्किटेक्चर के अंदर डिग्री रखती हैं उस साइड से आ रही हैं और यदि आप वो बैकग्राउंड के साथ में वेब डिजाइनिंग के फील्ड में आती हैं तो आप वेब डिजाइनिंग का कोई डिप्लोमा कर लीजिए और उसके आधार के ऊपर आपको बहुत अच्छे जॉब मिलेंगे तो आपको जरूर सोचना चाहिए इट इज़ अ टाइम ऑफ वेब डिजाइनर COVID-19 ने IT और कंप्यूटर का कैरियर बहुत आगे बढ़ाया है और उन कैरियर में वेब डिजाइनर की बहुत तेजी से मांग पड़ी है Neither only in India, but throughout the world, there is a big demand of web designer. आप जरूर करें, career बहुत अच्छा बनेगा. Okay? Yes, sir. Thank you, sir. Much. Sir, अगर इसमें अगर हमें foreign में भी opportunities देखने हैं, तो उसके लिए क्या options हैं? Like foreign में opportunities के लिए? Foreign opportunities भी कोई कम नहीं है इसके अंदर, unlimited हैं. आप work from home. आउटसोर्सिंग के बारे में आपने सुना होगा हम वेब डिजाइनर का जो जॉब है वो फॉरेन में यदि नहीं भी गए तो आउटसोर्सिंग से कर सकते हैं टाइम आप आउटसोर्सिंग चारों तरफ COVID-19 के बाद में आउटसोर्सिंग हो रही है
एंड इंडिया इज नॉन फॉर इट्स आउटसोर्सिंग, पूरी दुनिया में भारत को आउटसोर्सिंग वाला देश कह रहे हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत करें, वेब डिजाइनिंग में मास्टरी करें और आउटसोर्सिंग से दुनिया के ज्यादातर देशों के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी, वर्क फ्रॉम होम आउटसोर्सिंग ऑन द बेसिस ऑफ वेब डिजाइनिंग बैकग्राउंड. Sir, just one last question. Bhavish Sharma, yes. Good evening, sir. Good evening. Sir, I want to become a business owner, businessman. So what I do in my career? In which class you are studying? Sir, 9th. You are studying in 9th. Okay, bahut acha padhne business mein aapko jana hai. इंडस्ट्री में आपको जाना है तो आप आफ्टर टेन यू हैव टू ऑप्ट फॉर कॉमर्स विद मैथ्स. यू कैन नोट डाउन, यू कैन रिमेम्बर दिस पॉइंट. नंबर वन, आफ्टर टेन यू हैव टू ऑप्ट फॉर कॉमर्स विद मैथ्स. नंबर टू, व्हेन यू आर इन 11th एंड 12th यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स इन कंप्यूटर एंड आई एंड इन अकाउंटिंग. ये दो बातें है ना. 9th के बाद में जब 10th आप बहुत अच्छा करें, 10th के बाद जो सब्जेक्ट चुने तो यू हैव टू ऑप्ट फॉर कॉमर्स विद मैथ्स. इसके आधार के ऊपर हम हमारे करियर बना पाएंगे. 11th 12th के अंदर आप ये तय करें कि चाहे हमको एंटरप्रेन्योर बनना हो तो भी 12th के हमको बहुत अच्छे मार्क्स लाना है. और 11th 12th के अंदर एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट और स्कूल में मिलता है, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप. उसकी तरफ भी आप ध्यान दें, उसकी बुक्स भी आप पढ़ें, उससे बेसिक जानकारी मिलेगी. 11th 12th में है आपको अकाउंटेंसी पे बहुत अच्छी तरह से कमांड आना चाहिए, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि जब भी आप कोई बिजनेस करेंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, अकाउंट्स आपके लिए बैकबोन बनेगा. आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा 11th 12th के अंदर. इकोनॉमिक्स बिजनेस के लिए इकोनॉमिक्स भी बहुत जरूरी होता है. तो 12th तक आप कॉमर्स विद मैथ पढ़ें, अकाउंटिंग बहुत अच्छी करें, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी करें. यदि आपको अकाउंटिंग से संबंधित करियर बनाना हो, उसके बाद बिजनेस में आना हो, तो यू हैव टू रिमेम्बर CA, CS, ICW. ये भी हम कर सकते हैं और उसके बाद में बिजनेस में आएंगे, हमारी स्किल और बढ़ेंगे. या फिर आप 12th के बाद में BBA करें और MBA करें फिर बिजनेस में आए, या कॉमर्स करते हुए कॉमर्स फॉरेन ट्रेड में करें, कॉमर्स टैक्सेशन में करें, तो ये भी आपके लिए बहुत फायदे के होंगे. या BCOM ऑनर्स करें, इससे भी हमको बिजनेस में फायदा मिलेगा. तो मेन थिंग ये है कि आफ्टर 10 यू हैव टू ऑप्ट फॉर कॉमर्स विद मैथ्स. ऑन द बेसिस ऑफ कॉमर्स विद मैथ्स यू विल डेवलप योर करियर इन बिजनेस एंड यू विल करियर इन इंडस्ट्री. ओके ओके सर, थैंक यू सर. थैंक यू सर. ये तो इतना हम लोग काफी 50-55 मिनट्स एक्सिट कर चुके हैं सर, लेकिन बच्चे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. तो बहुत ही बढ़िया आप जानकारी दे रहे हैं सर, लेकिन अब समय सीमा है तो हमें इसको यहीं पर रोकना होगा. आई विल कॉल माधवी फॉर वोट ऑफ थैंक्स. गुड इवनिंग सर. थैंक यू सो मच सर फॉर दिस एनलाइटनिंग सेशन. आवर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स थ्रू द सेशन. ऑब्वियसली देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कवर्ड. सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए सर, वेदर इट वॉज इंजीनियरिंग, it was architecture, law or government fields, anything and everything, you covered everything and which made it very useful and informative actually. ki sabko ye sab cheeze nahi pata thi and bahut sare log the jinhone nayi nayi cheezon ko find out kiya hai and I'm sure they are going to look for new prospects after this. We are very privileged sir to have you with us today and we would like to thank you from the bottom of our heart. The WS team is very happy to have you with us today and sir please keep your guidance with us always. Thank you. Thank you so much. Thank you. Children, you may leave now.
we'll end this meeting.